जय हिंद, जय भारत। दोस्तों तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है साडे प्रोग्राम संडे स्पैशल दे विच। अज ही करांगे इस खुले आसमान दे हेठ खुल के गल्लां साडे नाल करनगे साडे एक्सपर्ट संदीप जी, ते जिन्हां नाल ही गल करांगे अज दे एक अहम मुद्दे उत्ते जो कि है शराब दा। एक पासे पंजाब सरकार नशा मुक्त करन दे वादे करदी है, दूजे पासे शराब करके किन्नियां मौतां हो गईआं। मौतों का आंकड़ा दिनों दिन वधदा जा रहा है, लगभग 80 के करीब मौतें हो गई हैं, जिस विच 6 सस्पेंड हो गए हैं पुलिस अधिकारी, 21 FIR भी कर दी गई है। इस दिन ही गल करांगे नवजोत सिंह सिद्धू बारे, उन्हां दा भाजपा नूं लैके जागदा प्यार, अही गल करांगे कोरोना की, अही गल करांगे वोकल फॉर लोकल की। तो अज ही मेन मुद्दा शराब नूं लैके शुरू करते हैं एक्सपर्ट साडे संदीप जी दे नाल, ते इन्हां नूं पुछांगे इन्हां दे अनुसार की इन्हां दी राय है, तो पंजाब सरकार कित्थे फेल हुंदी नज़र आ रही है नशे नूं रोकण तों लैके। तो संदीप जी, जिस तरह की अज अहम मुद्दा हर चैनल दे उत्ते, हर खबर ते हर लोकां दी नज़र हैगी है, एकदम एड्डी वड्डी मौत नजायज़ शराब नूं पी के, नजायज़ शराब नूं लैके एड्डी वड्डी मौत, 6 दे करीब सस्पेंशन ऑर्डर, 21 दे करीब FIR, ते किते ना किते पंजाब सरकार दा इहदे विच अणगहली, बहुत वड्डी अणगहली नज़र आती है, की कहना चाहोगे इस बारे? कैलाश जी, एक बड़ा वड्डा मुद्दा है, एक आम जनता नाल जुड़िया होया मुद्दा है। 80 तो वध मौतां, एक पिंड तो 2 जाने दी 4 जाने दी मौत तो सिलसिला चलता चलता 80 ते पहुँच चुका। की सी ये शराब किहड़ी है? शराब ये कोई ठेकियां दी शराब नहीं, वैसे सरकार तो शराब नूं नशा मनदी नहीं है, वह कहिंदे भी असीं ये तो रेवेन्यू लैना है, ठेके खुलने चाहिए, बाकी सारे काम बंद, पर यह शराब किहड़ी जिहदे नाल उह मरे ने? ये जहरीली शराब जिन्हों कहा जा रहा है, ये होममेड शराब नहीं है, एक कैमिकल तो बनी शराब है। उस एक कैमिकल की इन्नी क बोतल, इन्नी क शीशी के नाल दो दो ड्रम शराब बन जाती सी। अपनी शराब की लागत को वधाने वास्ते असली कारण की है, क्यों जहरीला होया सारा कुछ? ये शराब पहला भी विकती है, विकती आई तो विकती रही है। 2 नंबर के कोई 10 रुपए के शराब पींदा, कोई 20 रुपए की थैलियाँ मशहूर है इलाकों के, पिंडा च खास करके मैं तुहानू कैलाश जी दसना चाहना भी पिंडा के थैलियाँ मशहूर ने, 10 रुपए की थैली उन्हों फ्रूटी कहिंदे जी। जी जी, एक शब्द मैं दसना, फ्रूटी, फ्रूटी 10 रुपए की फ्रूटी मिल जाती है जी, जी बच्चों के पीने वाली। शराब में फ्रूटी का नाँ दिता गया है। ये शराब कैमिकल तो बनी शराब है, इहदी डिग्री कोई नहीं है, इहदी डिग्री इस तरीके नाल वधा दित्ती जांदी भी शराब साडी लोकां नूं लगे भी बहुत वधिया, साडी सेल जिहड़ी वध जाए, वह पानी नूं वेच के पानी च इन्ना क कैमिकल पा के शराब बनाई जा रहे ने, वह मतलब मुफ्त का सौदा जिहदे जो लखां रुपए कमाते हैं। एक बड़ा वड्डा गोरख धंधा है, ये अज का नहीं चल रहा, बड़े समय का चल रहा है, सरकारां दी नक थले चल रहा, तो पुलिस की नक थले चल रहा। कहिंदा मतलब अपने शराब का नशा वधाउण दे चक्कर च वो कैमिकल इस्तेमाल किया जा रहा है? हाँ, नशे नूं तेज़ करन वास्ते कैमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो तेज़ की शराब ही लोगों की जिहड़ी जिंदगी लैके बह गई। ठीक है, वो मैं तुहानूं दस देना चाहना कैलाश जी, ये किसी उस इलाके के SHO की मिली भगत तो बिना काम नहीं हो सकता। हर थानेदार नूं पता हुंदा है भी किहड़े इलाके च किन्नी शराब तो कित्थे विकदी है। मैं सीधे शब्दां च कहांगा भी इन्हां ने महीने भी बन्ने हुए हुंदे हन। एक जिहड़ा SHO तुहानूं लगदा भी कि थाने च लगदा, वह किसी MLA की शहद, MLA की शहद तो बिना लग जूगा? MLA की मदद के नाल, MLA के ध्यान दे विच ही सारा कुछ हुंदा है, भी वह थानेदार नूं उस थाने ते लवाया जांदा है। ठीक है, वो किस तरह करप्शन नू क्रिएट करता, किस तरह नशा विकता है, ये नशे की सहुं खाने वाले कैप्टन साहब नू सारा कुछ मेरा ख्याल पता ही है भी इस थल्यो तंत्र किस तरह चलता है, सारी करप्शन हेठले लैवल तो स्टार्ट होकर उपर तक जाती है। एक मैं होर गल दस देना चाहता, एक MLA के PA का नाँ सीधे तरीके इस कांड में आ रहा, मौतों की गिनती तुसीं दस चुके हो, वो MLA का PA मैनूं इत्थों तक पता लगा भी ग्राहियां करता सी उन्हां दीआं। ये एक जिले की गल स्टार्ट हो के अज 4-5 जिले च फैल चुकी है, ये माझे नू एक माझा जोन की एक वड्डी तराश की गिनी जा रही है। 80 मौतां ये कैलाश जी कोई छोटी गल नहीं है। तो कि एक MLA दा PA विच इनवॉल्व हो रहा, तो MLA नू इसकी खबर ना हो सकता? इस तरह किदां भाजी कैलाश जी, किदां हो सकता है? ये महीने ग्राहियां इकट्ठिया करने वाले सारे PA ने। एक मैं तुहानू मिसाल दिना भी अमृतसर जिले में एक मंत्री सीगा, वो ग्रांटा के हेरफेर के उत्ते परचा ग्रांटा की खुरद बुरद करके गैर कानूनी तरीके नाल उन्होंने दूसरों दी सी ग्रांट, वो जो परचा दर्ज होने लगा वो MLA तो परचा दर्ज नहीं होया, अमृतसर जिले का ही मैं दसन लगा, मंत्री सी पिछली सरकार दे विच, वो किसी मंत्री का परचा नहीं दर्ज होया, वो परचा जिहड़ा वो PA ते ही दर्ज होया। तो सो दैट इज़ दिस
ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਲਈ ਥੱਲੇ 5 ਸਾਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ 3 ਪੁਲਿਸ 3 ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਅਤੇ 3-4 ਜਿਹੜੇ SHO ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਅ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਝਹਾੜਾ ਸੁਣੋ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵੋਇਸ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ, ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ MLA ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਜੜ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਮਾਊ ਜੀ ਸੀਗੀ, ਪਿਓ ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਦੋਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਕਲਾਸ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈਵੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮੌਤ, ਅਤੇ ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਈ ਉਹ ਰੂਹ ਨੂੰ, ਉਹ ਜੀਵ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਜਬ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੈਲਾਸ਼ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਹੈ? 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ। ਇਹ ਕੋਈ ਧੰਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਧੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬੜਾ ਮਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਲੈਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਜਾਗਣਾ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈ। ਇਹ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲ ਕਬੂਤਰ ਵਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬਿੱਲੀ ਖਾ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਉਹ ਖਾਏਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਬਿੱਲੀ ਫੜਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਬਿੱਲੀ ਤਾਂ ਕਰ ਗਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜੀ। ਕੈਲਾਸ਼ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਂ 4-5 ਅਫਸਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਭਾਅ ਜੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ, 19 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6-7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ 1 ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੁੱਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਟੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਝੰਝੋੜਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ 'ਚ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ? ਉਹ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਕੈਲਾਸ਼ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲਓ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੀਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਭਾਅ ਜੀ ਮਦਭਾਗਾ ਇੱਕ ਕਾਂਡ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਣੀ, ਇੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋਣੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਜੀ, ਉਹ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਨੇ, ਸਾਂਸਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨਸ਼ਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, WHO ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਿਹੜਾ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵੱਡੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 20-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬੈਨ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਇੱਕ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਬੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਕੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਾਂਸੀ ਦਾ ਸਿਰਪ ਸੀ, ਇਹ ਅਮਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ,
लॉकडाउन के दरम्यान जिनी क नजायज़ शराब विकी है, दो नंबर की सारा कुछ पता पुलिस वाले नू, पुलिस वाले दे नक दे थले सारा काम होया। वो सदर दा जिहड़ा सदर दा एक एस एच ओ दी बार बार गल हो रही, मैनू पता लगा भी पांच बार सस्पेंड होया, वो पांच बार सस्पेंड हो गए दोबारा सदर ते लग गया, किदी शाय पिछे लगा, किदे एम एल ए दी शाय लिखा, इहदी जांच होनी चाहीदी। हुण सिट बिठा दित्ती गई है, सिट बिठाण दा मतलब किते उही ना हो जाए 2018 वाला जिहड़ा रेल हादसा भी सिट आई ते बस बाद विच सिट भी रह गई, ते जिहड़ी नवीं रेल विभाग वल्लों जारी कीती उहदे तहत 4-5-10-11 बंदे एफ आई आर दर्ज हुई, वह भी बड़ी घट तरावान लगी। सिर्फ परिवार अच्छ एक ट्वीट होया नवजोत कौर सिद्धू वालों, जिस उन्होंने भाजपा प्यार सिर तो जागता नज़र आया। इलैक्शन तकरीबन 1.5-2 साल नजदीक रह गया, इलैक्शन आते टाइम के जितना भाजपा प्यार जागना भारतीय जनता पार्टी ने शिकवे से सिद्धू साहब ने, भारतीय जनता पार्टी ने शिकवा करने की बजाय एक व्यक्ति विशेषण भी सिद्धू साहब वो कौन सके, वो मैं लगता भी उस समय के 47 जो पंजाब प्रधान शायद राज्यसभा मैंबर भी ने, उन्होंने उस समय उस स्थिति दे विच जदों श्रोमणी अकाली दल नाल भारतीय जनता पार्टी दे भारतीय जनता पार्टी नवजोत सिंह सिद्धू टक्कर लै रहे थे, उन्होंने पिट मगर खलोता मैं उन्होंने एक खास व्यक्ति विशेष ने मेरी गल की, मैडम ने भी मेरी गल की इस विषय में, उन्होंने भी अंदर की वाट यह हुई थी भारतीय जनता पार्टी के नाल जिहड़े इन्हां दे साथी ने वो उस लैवल से इन्हों की सपोर्ट नहीं की, जबकि इन्हों पार्टी लैवल से इन्हों की सपोर्ट करनी चाहिए थी। उसका कारण एक मुख्य सीगा भी श्रोमणी अकाली दल उदों बहुत हैवी सी, ये जिहड़े जिन्हें प्रधान निकलते सब उन्हों की बुकलों से जाके बहते अकालिया की, तो हुण सिचुएशन कुछ बदलती नज़र आ रही है। जो जे पी नड्डा जी ने पिछले दिन एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस राही पंजाब की 17 सीटा से कल्ले कल्ले बूथ से जाके तैयारी करने भारतीय जनता पार्टी ने कहा, तो वह रुख समझ आ रहा है भी हो सकता भारतीय जनता पार्टी इस बार विधानसभा इलैक्शन वा अपने सिर पर लड़े या कुछ समीकरण कुछ होर हो। समीकरण की हो सकते सन वो आप पहले ही डिस्कशन की थी भी डेमोक्रेटिक श्रोमणी अकाली दल डेमोक्रेटिक पार्टी जी बनी है ढिंडसा साहब भी काफ़ी स्ट्रोंोंग नज़र आ रही है, ठीक है, बजाय के टकसाली को, टकसाली तो सिर्फ एको ही ब्रह्मपुरा जी रह गए हैं, तो बाकी तकरीबन मैं लगता उन्होंने सारे साथी डेमोक्रेटिक दे चले गए हैं। ये श्रोमणी कमेटी श्रोमणी अकाली दल के नाल गठजोड़ जिहड़ा उन्हां दा अकालियों का रहना, अकालियों का गठजोड़ बीजेपी ना रहना, हो सकता भी किसी होर दा ना अलायंस बनता हो, भारतीय जनता पार्टी के नवजोत सिंह सिद्धू दोबारा एंटर कर सकते हैं जिस हिसाब ने इन्हों का ट्वीट किया, एक नवी दिशा दे दी, एक नवी चर्चा छेड़ दी सिद्धू के सुरखियाँ, मैं शब्द का इस्तेमाल करना बार बार हर वारी जो भी सिद्धू साहब जी हमेशा जड़िया बनिया चाहिए सुरखियों के फिर आ गए हैं, चुप रह के भी कभी ना कभी कोई निकी जी गल निकल आती, कभी आम आदमी पार्टी को जान का विषय हो जाता, पर मूँह उन्होंने कभी कुछ नहीं बोलिया, पर आज जो ट्वीट का विषय से एक भी भारतीय जनता पार्टी ने सारी कोई शिकायत नहीं, यह मतलब भी हो सकता बैकडोर कोई एंट्री हो जाए, पर इन्हों की बैकडोर एंट्री नाल बड़िया समस्यावान आनी है भारतीय जनता पार्टी के, वो बंदे जिहड़े लगातार भारतीय जनता पार्टी तो फायदा लै रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की शाख उस लैवल तक बन नहीं दे रहे, उन्होंने एक सीमित दायरे में रख्या होया है, हो सकता भी सिख चेहरा तो होर सिख चेहरे इन्हों जुड़ जाए, एक बड़ी वड्डी विडंबना की गल है भी तुसीं सलाह जी गल भी कर रहे थे आपां भी इन्हों जेटली साहब बाहरों लैके एम पी इलैक्शन अमृतसर 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 मैं क्यों बार बार जिक्र कर रहा भी सिखी का धुरा राजधानी सिखा की कह लो भी इतों चोण लड़न लिए इन्हों सिख चेहरा पुरी साहब बाहरों लैके आने पे कि भारतीय जनता पार्टी को एक मैंबर पार्लीमेंट लैवल का चेहरा नहीं मिले। ताे मुताबक अगर जे जेतली जगह पुरी साहब की जगह अगर जो चेहरा नवजोत सिंह सिद्धू का होंगे तो की रुख बदलते नज़र आने से कैलाश जी अमृतसर की जनता को पता है, पंजाब की जनता को पता है कि 5 साल तो लगातार जित रहे रघुनंदन लाल पार्टियां हराने वाला कौन सी नवजोत सिंह, इतने कोई शक तो दो राय नहीं भी उन्होंने फेम उन्होंने चेहरे से
लोग हजे भी कुछ प्रश्न करते समस्या सब कला जी आ रही है कि क्यों नहीं उन्होंने उस लैवल का क्योंकि मूड़ी बंदे ने वो अपनी गल न पकाते ने मैं आ कम करना यो करना धुन के बड़े पक्के ने मजबूत इरादे के ने इस मगर पै जाते हट तो मगर पै जाते हैं बड़ी कंट्रोवर्सी रही है उन्होंने श्रोमणी अकाली दल ना जो झगड़ा जरा मैं लगता भी इस टाइम जोड़ा जो बीजेपी एक बैकफुट पर आके काम करेगी तो हो सकता भी नवजोत सिंह सिद्धू उन्होंने जरूर जुड़न तो आने वाला भारतीय जनता पार्टी का एक स्ट्रोंोंग चेहरा जरा वो सिद्धू साहब हो सकते हैं मैं नहीं कहता भी उन्होंने आई देना ये उन्होंने अंतिम फैसला है वो जिते मर्जी जा सकते हैं कांग्रेस के लिए है ही सिद्धू साहब नूं लै के पहला भी चलता रहा कि डिप्टी सीएम सिद्धू साहब होंगे उस तो बाद आम आदमी पार्टी का आया उन्होंने अपना भी एक फोर्थ फ्रंट बनाया सी हुण गलबात जिहड़ी शुरू हो गई है यह अपना भाजपा नूं लैके हो गई है एकदम ट्वीट आना भाजपा के प्रति मोह जागना कितने ना कितने तो पार्टी बदलन का या इस तरह का कुछ संकेत दिता जा रहा देखो जी एक दबाव बना दी सिद्धू साहब हमेशा बना के रखते हैं 55 विधायक जिहड़े वो कैप्टन साहब के नाल इस तरह नहीं हो सकता भी डिप्टी सीएम उन्होंने बना दिता जाए नवजोत सिंह सिद्धू ने जिन्ना चर कैप्टन साहब अपने अपने जोड़े अहदे से कायम ने ठीक है इस करके वो नहीं चाहते भी उन्होंने बराबर का कोई व्यक्ति विशेष अगे आए ये तो भुल ही जाओ मैनू नहीं लगता भी उन्होंने डिप्टी सीएम की कोई आवाज़ आती होएगी चर्चा चलते हो अखबार जी चल रहे हैं दूजे से पर मैं नहीं लगता भी यह स्थिति पैदा हो देंगे कैप्टन साहब कैप्टन साहब ने इसी स्थिति में देखते हुए डिप्टी सीएम की पोस्टिंग खत्म कर दी नहीं और देखो ये नहीं उन्होंने कहना खत्म नहीं होना एक कल्चर चलता आया कांग्रेस के बच्चे डिप्टी सीएम की पोस्ट हैगी किसी नहीं विराजमान हो दें गल वक्री बीबी भट्ठल भी तो कांग्रेस से रह के डिप्टी सीएम बनी रही काफी देर ठीक है ये नहीं कोई विशा भी पोस्ट रखनी कोई कैप्टन साहब के बस की गल नहीं ये उपरलिया का फैसला पर स्थिति जी है कि 55 विधायक उन्होंने स्ट्रोंगली खड़े ने कैप्टन साहब नाल ये नहीं हो सकता कि डिप्टी सीएम जो बनन देन ये खतरे की घटी उन्होंने वास्ते अपनी भी अगली जो इलेक्शन जो कह दिता उन्होंने कैप्टन साहब ने भी मैं खुद लड़ांगा मैं जवान ही कोई गल नहीं चिंता ना करो ये एक जनता नाल जुड़िया हुआ मुद्दा देखते हैं कला जी अभी की रुख कहते ऊठ किस करवट बैठता है ये तो समा ही बताएगा तो पूरा देखा जाए मामला तो इस दे विच सिद्धू परिवार नू कदे भी बीजेपी तो कोई गिला शिकवा नहीं रहा हाँ उन्होंने निखेधी जिहड़ी हुई बीजेपी दे विच ओ किते ना किते अकालियां करके हुई है जिस करके बीजेपी ने एक अनमोल हीरा अपनी पार्टी तो गवाया। तो असीं गल करांगे कोरोना नू लैके कोरोना दा डर वड्डा के कोरोना का डेडली रेशो वड्डी गल करांगे कोरोना कित्थे तक घातक है कित्थे तक सानू कोरोना तो समझने की लोड़ है तो आप गल करते हैं सर कोरोना एक कैफे जी बीमारी पूरी दुनिया हर इंसान उस तो डरिया पिया तो की कोरोना का डर उहदा नाम का डर उहदी मौजूदा स्थिति के हिसाब नाल ज़्यादा कि घट कलाश जी गल इस तरह भी करोना नूं थोड़ा समझण की जरूरत है भी करोना को आ नहीं भी आया तो आगे बंदा मार के हो गया इस तरह नहीं है करोना का जिहड़ा प्रभाव है वो ज़्यादा बजुर्गों पर है बच्चों पर बच्चों तो क्योंकि प्रोपर डायग्नोस नहीं हो पाता बच्चों बजुर्ग वो ने जिन्हां दा इम्यून सिस्टम वीक है तो किसी बीमारी तो ग्रस्त ने खास करके सह की बीमारियों नाल रिलेटड क्योंकि फेफड़िया के जाके करोना बैठ जाता है गले तो स्टार्ट हुंदा थले थले जांदे उत्थे बैठ जांदा साह दीयां प्रॉब्लम वालियां नूं इह ज़्यादा समस्या करोना नाल हैगीयां ने मरण की जिहड़ी दर है मरण की दर अमेरिका नालों हिंदुस्तान दे विच बहुत घट है 1 लाख तो वध बंदा इस टाइम अमेरिका दे विच मर चुका है भारत के लोगों का इम्यून सिस्टम तगड़ा होने करके हजे भी डैथ रेट उस लैवल की नहीं हैगी पूरे भारत की गल दसा 36,511 मरीज जिहड़े मौतां हो चुकियां ने तो 17 लाख के करीब मरीज़ जिहड़े तो ग्रस्त हो चुके हैं 17 लाख मरीज़ ग्रस्त का मतलब है भी वो ठीक भी हो चुके ने वो वापस अपने घर च आ चुके ने असी कुछ खेड रहे ने अपने सारे काम कर रहे ने एक वायरस है जिहड़ा अंदर बॉडी दे जांदा है तो जाके अगले बॉडी दे अंदर उनू डैमेज करन दी कोशिश करदा पर बॉडी जिहड़ी इहदा इलाज भी जिहड़ा साडी अपनी बॉडी दे विच ही है साडा शरीर जिहड़ा है इहदे नाल लड़न दी शक्ति जिहड़ी उह खुद ही पैदा करदा है
आप ही बीमारी है तो आप ही इलाज है। इस शरीर ने इलाज करना है, इम्यून सिस्टम नू जड़ा अपग्रेड करके रखना, अपने आप नू फिट रखना, ये सब ना वड्डी जरूरत है। समय की भी जरूरत है तो करोना ना लड़न की भी जरूरत है। तुसी जो होर को पूछना चाहते इस विषय से मेरे जी डैथ रेशो की गल करिए, अमेरिका स्पेन की लै लो, डैथ रेशो उत्थे ज़्यादा, उत्थे डैथ रेशो ज़्यादा होने का कितने ना कितने कारण यह भी है कि उत्थे ओल्ड एज की गिनती ज़्यादा है, वृद्ध लोगों की गिनती ज़्यादा होने कारण भी कितने ना कितने डैथ रेशो वधी है। इस बारे तुहाडा की ख्याल? मैं कलाश जी तुहानू एक गल कहांगा भी इत्थे ते रोड़े खा जांदे ने लोग, दालां दे विच रोड़े खा जांदे ने, मिलावटी समान खा जांदे ने। कई बार देखो तुसी जाके रेहड़ियां दे उत्ते लागे गोडे गोडे गंद पिया हुंदा ते लोकी उत्थे कुलचे छोले खांदे हुंदे ने। यह आम है वीडियो तुसी वायरल, लोगों के इम्यून सिस्टम आलरेडी हिंदुस्तान के लोगों के बहुत वधिया ने, कुछ आयुर्वेदिक दवाइया नाल कह लो, कुछ इत्थों दी माहौल दा कह लो, कुछ एटमोसफेयर कह लो, कुछ इन्हां दे शरीरां दी बनत कह लो, अंग्रेजां नालों इन्हां दे शरीर दे इम्यून सिस्टम बैटर होण करके ही ये बचे हुए ने। भी हजे इम्यून जिहड़ी मौतां दी गिनती घट ने, पर चिंता दा विषय बड़ा कैलाश जी। ये लगातार पिछली बार भी आपां डिस्कस कीती सी कि मई महीने दे विच, सॉरी मार्च महीने दे विच हज़ारां दे हिसाब नाल रोज़ाना वधे सी, तो अप्रैल दे विच जिहड़े ओह 5000 प्लस होने शुरू हो गए, मई दे विच ओह 10000 होने शुरू हो गए। इस तरह गिनती कल एक दिन दे विच, परसों 57000 मरीज़ एक दिन दे विच आए ने, एक दिन च 57000 मरीज़। आपां पिछले हफ्ते की जो गल कर रहे हैं तो 50000 का करा टप्पया सी, इहदा मतलब 60000 नूं रोज़ाना मरीज़ आने लग पे, उतो अगले हफ्ते की होना 70000 नूं रोज़ाना। इस तों इलावा पंजाब की गल करिए, होरना जिलों नालों पंजाब का जिला जिहड़ा पंजाब राज जिहड़ा वो काफ़ी हद तक सुखावां सी, काफ़ी हद तक मरीजां दी कंट्रोल सी, पर चिंता का विषय खतरे की घंटी है वज गई। भी 3 दिन पहला 600 मरीज सी एक दिन दे विच, ते अचानक 1.5 गुणा मरीज़ अगले दिन 900 मरीज जिहड़े वो आ चुके सी, 119 मौतां एक दिन दे विच। ये सारे रिकॉर्ड जिहड़े पंजाब ने तोड़ते, नवे कीर्तिमान स्थापित करते। ये लुधियाणा के विच एक दिन से 200 तो प्लस मरीज़ आना एक बड़ा चिंता का विषय है। इस तरह अमृतसर के विच जो कभी 10 भी 30 40 तक रेशो पहुँची सी, एक दिन इदा आया है जिस दिन 75 मरीज़ एक दिन से निकले सी, ते मौतों की गिनती भी 10-12 हुई एक दिन दे विच। सफर जी सॉरी कैलाश जी, ये चिंता का विषय जरूर हैगा, लोगों को सावधानियां वरतनिया पैनिया, अपना ख्याल रखना पैना, अपने आले दुआले का ख्याल रखने की जरूरत है। समय समय से आपू हर स्थिति नाल लड़न की तैयारी दे विच रहना चाहिए। मौतों की गिनती की गल करिए तो कितने ना कितने यह भी एक गल सामने आ रही है कि लोग करोना तो पहला उसके डर ना मर रहे हैं। कुछ लोग पैनिक होने की वजह नाल बीपी बढ़ जाता, कुछ हार्ट के पेशेंट है जेडे कि अपना बीपी बदन के कारण उन्हों की डैथ हो जाती है। एक समा सी जी जदों एक मौत हुई सी पठलावा दे संत निर्मल सिंह जी की, ठीक है, वो नहीं संत निर्मल जी पठलावा च पहली मौत हुई सी, ज्ञानी सीगे वो जथेदार नहीं ज्ञानी नहीं सीगे, पठलावा च जिहड़ी मौत हुई सी वो शायद रागी सीगे, सॉरी और रागी सिंह की जो मौत हुई सी तो एक बड़ा हाहाकार मच गया सी उस विषय पर। उस तो बाद निर्मल सिंह जी जिहड़े साडे पंथ रतन सीगे, उन्हां दी मौत ते बड़ा बवाल उठिया, उन्हां दे परिवारक मैंबरां ने सीधे सीधे इल्जाम लाए सी भी कि साडी जिहड़ी ए उस लैवल ते पुछगिछ नहीं हुई, साडे मरीज नूं कल्लियां ताड़ दित्ता गया। उन्हां दी एक रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई सी जिहदे विच उह साफ कहिंदे नजर आए कि साडा ट्रीटमेंट नहीं कीता जा रहा, डॉक्टर मैनूं ट्रीटमेंट नहीं दे रहे। ट्रीटमेंट नहीं, देखो जिहड़ी वार्ड दे विच मरीज पाया जाता सी उस वार्ड के मरीज़ का पता लैना डॉक्टर जाता कि नहीं जाता ये बारे मैं नहीं पता, इस दुखों ही शायद वह मरीज़ मैंटली टॉर्चर होया होगा, मैंटली डिप्रैस हो के होर कई घातक टेंशन जोड़ा डीग्रेड होया, इम्यून सिस्टम वह बिगड़िया, तो शायद मौतों का कारण कुछ यह भी है। पर हूँ मैनू जो माहौल लग रहा भी काफ़ी लोग रिलैक्स होकर घूम रहे हैं, काफ़ी हद तक फ्री माइंड हो गए ने, उहदा कारण चाहे रोज़गार कह लो चाहे रोजी रोटी कह लो, लोगों की भी कईयों ने मजबूरन बाहर घर तो निकलना पैंदा है, तो बाहर निकल के लोगों नूं अपने रोज़गार लिए रोजी रोटी का जुगाड़ करने लिए घरों बाहर आना पैना है, तो आ रहे ने भी ये मजबूरी समझ लो जो मर्जी समझ लो, तो डर तो हुण मैनूं लगता भी काफ़ी घटिया भी है लोगों के। बाकी सरकारी हस्पतालों के जाण तो लोग
पहल देंदे ने, पर प्राइवेट हस्पतालों के जो चल रहा तुहानू पता ही है कैलाश जी, जो कुछ पिछले दिन अमृतसर होया। एक होर हासोहीणी गल मैं तुहानू दस दिंदा, बिल लुधियाणा दे विच एक डाक्टर ने 1500 रुपए दे विच नैगेटिव रिपोर्ट देने का दावा किया, जिदी बड़े बड़े वड्डे पद्धर ते विरोधता हुई। उहदी इनकुआरी शायद उत्थों दे सिविल सर्जन ने करनी शुरू कर दित्ती है। मीडिया ने खुलासा किया 1500 रुपए दे विच नैगेटिव रिपोर्टां बनवाओ ते जिथे मर्जी घूमण जाओ, चाहे शिमले जाओ चाहे हिमाचल जाओ, जिथे तुहाडा दिल करदा घूम फिर आओ। क्योंकि सरकार ने रखिया सी कि वी जिहदे कोल नैगेटिव रिपोर्ट होएगी उही परिवार जां उही व्यक्ति जिहड़ा अदर स्टेट हिमाचल दे विच एंटर कर सकदा सी। उह 1500 दा जिहड़ा विशा जिहड़ा ਉਹ ਬੜਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ 1500 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਖਿਲਵਾੜ ਹੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਜੀ, ਖਿਲਵਾੜ ਹੀ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਹੱਥ 'ਚ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਿਲਵਾੜ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 420C ਦਾ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ, ਸੰਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖੌਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਾਸ਼ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ।